हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। अभी मैं हूँ टिकोना के पार्किंग में और अब मैं यहाँ से जाऊँगा तुंग फोर्ट को, और यहाँ से उसका डिस्टेंस है 23 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है ऑलमोस्ट 3 मिनट्स। और ये टिकोना जिसको मुझे लगे ऑलमोस्ट 2 घंटे, अभी बजे 12:30 बजे, 10:30 बजे मैं स्टार्ट किया था, 10:30 बजे 40-45 मिनट ऊपर पहुंचा, थोड़ी देर बैठ के नीचे आया और अब यहाँ से जाऊँगा तुंग। ये आगे तुंग फोर्ट है, अभी यहाँ से डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर, अभी 20 मिनट लगेगा यहाँ से जाने को। पहुँचे, ये रोड जाता है लोनावला और ये वाला जो तुंग, यहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा तुंग वाला, वो आगे तो छोटा वाला बोर्ड है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। ये अंदर का पैच बहुत ही खराब है, ये आ गए पार्क। ये पार्किंग चार्जेस है 20 रुपीज। फोटो की पूरी डिटेल्स दी है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ पे फोर्ट का मैप है, क्या क्या चीज़ें से क्या क्या देखने पे है वो। अभी हम यहाँ पे यहाँ से ऊपर चढ़ के अराउंड एक बुरुज, दूसरा बुरुज के और ऊपर लास्ट में एक तुंगाई देवी का मंदिर टॉप, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। और देखने के लिए सारी चीज़ें, अभी पार्किंग में गाड़ी लगा के मैं आ गया थोड़ा, और आगे पार्किंग के यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है और एक बोर्ड लगा है जहाँ पे फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और मैप भी दिया है कि देखने को क्या क्या है। और थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है जो फॉलो करने हैं। और एक है अब यहाँ पे, अब ये ऐसा है और उनको ऐसा करने का है, लाइक दिस सारे स्नैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। बहुत ऊपर है, अभी देखते कितना टाइम लगता है। स्टार्ट के 5 मिनट हुआ है और यहाँ पे ये हनुमान जी की मूर्ति है जो कि नॉर्मली सारे एंट्री पे रहती है, और इसका भी नाम है चपेटदार, यानी चपेटदार मारुटी है यहाँ पे नाम, क्योंकि नाम भी यही नाम था जो कि मतलब चपेट मारने के पोजीशन में। और इस मूर्ति में हनुमान जी के पास गदा नहीं है तो यहाँ पे खंजीर है, खंजीर और एक नीचे पनौती और एक हाथ चपेट मारने की पोजीशन में, इसलिए इनको चपेटदार मारुटी बोलते हैं। अभी आगे आगे एक बोर्ड है, देखते हैं किस चीज़ का है। देखो ऐसा रास्ता है, अभी ये थोड़ी हिस्ट्री के बारे में है, दूरी से हिस्ट्री है। ये जो पूरे स्टेयर्स है ये पूरे नीचे तक थे, लेकिन यहाँ से उसे बारूद लगा के उड़ाया है। और किसने उड़ाया है? कर्नल पॉर्टर, वो एक ब्रिटिशर्स थे। जाने से पहले ये रूट है, ये टिकोना से काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि रोड जो है पूरे से पत्थरों से उग जाता है, प्रॉपर
तिकोना जैसा प्रॉपर रूट नहीं है, कोरोना से प्रॉपर है लेकिन डिफिकल्ट है। सो स्टार्टिंग में एक दो पैच है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड टू ब्रिंग योर किड्स, डिफिकल्ट है बच्चों के लिए बहुत। 25 मिनट बाद आएगा ये महाद्वार, काफ़ी बड़ा है लेकिन ये यहाँ से थोड़ा टूट गया है और वही जो सह्याद्री प्रतिष्ठान है वो इसी का रिपेयरिंग करने वाले हैं। ये फर्स्ट फ्लोर से और ये जो इमेजेस लगाई है यहाँ पे वो दीवार बनाएंगे पूरा, मीन्स जो इनकम्प्लीट है जो टूटी फूटी है वो कंप्लीट करेंगे और चाहे इसको भी डोर बैठाएंगे। यहाँ से आगे चलते हैं और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पैच है हनुमान द्वार, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनाई है और ये बोर्ड भी लगा है इंफॉर्मेशन का, इसको प्रॉपर डोर है। ये पुराने जमाने का लग रहा है। और ये अभी यहाँ से नीचे से एंट्री हुई है और डोर इस साइड है और नीचे से आने वाले लोगों को डोर नहीं दिखेगा। मेन डोर छुपाने के लिए एक ये जो पीछे है वो राउंड शेप की दीवार बनाए थे उसे बोलते हैं जीपी दीवार, यानी अगर कोई नीचे से आया तो उसको अंदर क्या चल हुआ वो दिखेगा नहीं और उन पर ऊपर से अटैक होगा तो अंदर नहीं आ सकते। डस्टबिन यहाँ पे और ये गणेश जी का मंदिर और ये वाटर स्टोरेज, आगे वो बाले किला है और यहाँ पे आने के लिए ले गए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे। और ये है कचहरी जी जोते करके है, वो एक फोर्ट पे एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे जो इनवर्ड आउटवर्ड रहता है वो आने जाने वाले लोग है मटेरियल है तो उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। कि अभी उसके पूरा टूट गया है और अभी कुछ बचा नहीं लेकिन सिर्फ आउटर वाले। ऑलमोस्ट खत्म होने का है, मेरे पीछे बाले किला है, थोड़ा सा बाकी है, 5-10 मिनट का रूट है और यहाँ से ये पवना लेक है, ये पवना लेक है और नीचे वो क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट है, उस साइड आएगा लोहगढ़ रिसापुर और उस साइड तिकोना। ये बचा है एकदम लास्ट पैच, 2 मिनट का है, इसके आगे हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। वाटर स्टोरेज यहाँ पर भी था लेकिन शायद लीकेज है। और ये है तुंगाई देवी का मंदिर, यहाँ पे 6-7 फीट की जगह है और आगे वो तो 2 फीट ही है सर्कल लगाने के लिए। मंदिर को सर्कल रखा थे कितना छोटा रास्ता है देखिए। यहाँ पे आप थोड़ा भी देर बैठ सकते हो और शायद यहाँ पे किसी ने खाना बनाया टेंट लगा के
यहाँ पे टेंट लगा सकते हो, लेकिन हवा बहुत है। हवा में थोड़ा साइड में जाके बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे आपको एक, उसके आगे एक दूसरा और तीसरा, तीन बुरुज है। अगर नीचे कोई अटैक करता है तो वो फर्स्ट से सेकंड को सिग्नल देगा, सेकंड से थर्ड आएगा और थर्ड से यहाँ पे मेन जो बाले किला है ना, तो उस पर अलर्ट आएगा। अगर फोर्ट जीतना है तो वो तीनों को हरा के ऊपर आना पड़ेगा और बहुत डिफ़िकल्ट है। ट्रैक तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर कोई जीतने को आ रहा है तो ऊपर चढ़ना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। और आगे उस साइड मोर की रिपोर्ट है। अभी 3 बजे है, मैंने 2:15 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, 1.5 घंटे में ऊपर पहुंचा। बोर्ड की जो हिस्ट्री है वो तो नीचे बोर्ड पे लगाई है, आप तो स्टार्टिंग में वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फोर्ट बनाने का पर्पज़ वही था, जो ट्रेड रूट था उस पर देख रेख करने के लिए बनाया था। जो टिकोना है वैसे सिमिलर, लेकिन ये टिकोना से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि चढ़ने को भी डिफिकल्ट है और ये छोटा है ज़रा। टिकोना से थोड़ा छोटा है। सबसे टॉप पे तुंगाई माता का मंदिर है और उसके नाम पे फोर्ट को नाम दिया है तुंगागढ़। ऊपर से जो दिखाया था आपको वो फर्स्ट बुरुज, ये सेकंड, वो वाला थर्ड, वो वाला ऊपर नीचे पार्किंग रोड ऐसा था। ये दोनों पहाड़ के बीच में से सर्कल लगा के फिर से वो उस साइड से घूमने की तरफ। 2 घंटे का ट्रैक ख़त्म करके मैं नीचे अभी पार्किंग में आया हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ पैचेस है डिफ़िकल्ट, लेकिन ज़्यादा ट्रैक नहीं है। 2 घंटे में मैं पूरा ऊपर जाके नीचे आया, पूरा एक्सप्लोर करके। तो अभी वीडियो करते ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।